हफ्ते वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर है। इस बार 31 दिसंबर को दीक्षांत समारोह होना है। इस कार्यक्रम की किस तरह की तैयारियां हैं, डीडी न्यूज से खास बातचीत की कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह 13 दिसंबर को आयोजित है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी। त्यागी जी, सारी व्यवस्था हो चुकी है आपकी और क्या प्रोटोकॉल कोविड का पालन करेंगे आप लोग, किस तरह से और किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं दीक्षांत के लिए? देखिए, जो हमने शुरू में किया था क्योंकि तब कोविड का प्रकोप नहीं था तो थोड़ा बड़े स्तर पर करने की सोच रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि सरकार की नियमावली आ चुकी है और कोविड के काफी सारे केस आ रहे हैं तो वो हमने अभी चेंज किया है कि केवल जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट होंगे वही हमारे सभागार में जा पाएंगे और जो टॉप 10 होते हैं क्लास के उन बच्चों को हम अलग से जाके जो काउंटर है वहां से उन लोगों को डिग्रियां देंगे। इस बार का काफी बड़ा हमारा ये कार्यक्रम होने वाला है। इसमें यूजी स्तर पे करीब 55,061 उपाधियां हैं और पीजी स्तर पे 30,131 उपाधियां हैं। साथ ही साथ 59 मेडल हैं जिनमें 16 यूजी के हैं और 43 पीजी के हैं और 4 स्पेशल मेडल भी हैं जिनमें से 2 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी हैं। तो इसलिए काफी बड़ा आयोजन है। जो ये सारे के सारे लोग जो है वो सभागार में रहेंगे गांधी अध्ययन पीठ के, लेकिन जो इनके पेरेंट्स वगैरह हैं उनको हमने एक दूसरे सभागार को खुलवाया है और वहां पे इसका लाइव प्रसारण होगा। पेरेंट्स वहां पे बैठ जाएंगे राजाराम शास्त्री सभागार में, तो इस तरह इफेक्टिवली हम काफी सारे लोगों को एक साथ बिठाने में सक्षम होंगे। मुख्य अतिथि हमारे इस बार प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी हैं जो वाइस चांसलर हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के महेंद्रगढ़ के, वो हमारे यहाँ आएंगे, महामहिम ने उनकी स्वीकृति दे दी। ये दीक्षांत समारोह अनोखा होगा इस बार क्योंकि संगीत नृत्य इसके प्रदर्शन भी किए जाएंगे छात्रों के लिए उनके पेरेंट्स के लिए।